श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय दशम, द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, श्लोक संख्या 30, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। एताहा परम स्त्री त्वमपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्कर लोचन पति न जात पैत्यारति बीरधिस्पृशं। शब्दार्थ एताहा, ये सब स्त्रियां, परम सर्वोच्च, स्त्रीत्वं स्त्रीत्व, अपास्तपेशलम बिना व्यक्तित्व के, निरस्ता विहीन, शौचम शुद्धि, बत साधो धन्य है, कुर्वते करते हैं, यासाम जिनके, गृहात घर से, पुष्कर लोचना कमल नेत्रों वाले, पति ही पति, न जातो कभी भी नहीं, अपैते जाता है, आरति भी भेंट द्वारा, हृदय हृदय में, स्पृशन प्रिया। अनुवाद, इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा, वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तात्पर्य, भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं, जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता, स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्ति में इसे हमें लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं और इनसे भी कम किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आबिर, कंक, यवन, खस इत्यादि होते हैं, किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं तो उन सबका उद्धार हो सकता है। भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। भौमासुर के चुंगल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गई। अतः भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। भगवान अपनी 16108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते चले आए थे। उन्होंने अपने आप को 16108 पूर्णांशों में विस्तारित किया और इनमें से प्रत्येक भगवान थे, जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न न थे। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियां के पति रूप में वे उन सबको मांगी से मांगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक ऐसी सत्यभामा के महल में लगाया। अतएव यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। तो यहाँ देखते हम कि भौमासुर के कैद में जो 16108 राजकुमारी थी, वो बाह्य रूप से दूषित थी, क्योंकि 16100 तो क्योंकि वो कैद में थी, दूसरे पुरुष के अधीन थे, कैद में थे, तो वो
शुद्ध थे, शुद्धि से विहीन थे, यह लिखा है। लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण किया है तो उनका पूरा शुद्धिकरण हो गया और भगवान ने उनको स्वीकार किया पत्नी के रूप में। भगवान उनके पति बने, ऐसे पति कि ऐसे सभी स्त्रियों के साथ वो मतलब सभी अपनी ये पत्नियों के साथ सदा रहते थे और उन्होंने अपनी भगवत्ता दिखाई थी और 16108 रूप में उनका विस्तार किया था। और ऐसा नहीं था कि रुक्मिणी के पास जो कृष्ण थे, सत्यभामा के पास जो कृष्ण थे, वो दूसरे रानियों के पास कृष्ण थे उससे भिन्न है और वो कम या ज्यादा शक्तिशाली थे। नहीं, सभी कृष्ण 16108 विस्तार आदि पुरुष कृष्ण से अभिन्न है, अभिन्न है। तो ये है भगवान की विशेष करुणा और भगवानी भगवत्ता, भगवान की भगवत्ता। और देखिए भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। सब रानियों के ऐसा था कि भगवान मेरे साथ ही रहते हैं और मैं जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे भगवान ने इतना परफेक्ट भूमिका निभाई क्योंकि ये सब चाहते थे कि भगवान हमारे पति बने। और भगवान ने, प्रभुपाद कहते हैं, भगवान ने वो अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभाई। यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद कि अतएव यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सत्यभामा ने चाहा कि पारिजात वृक्ष जो स्वर्ग में ही होता है वो लेकर उनके महल में आए तो भगवान ने वो भी किया। और यहाँ लिखा है कि भगवान उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदय को प्रसन्न बनाते रहे। एक परफेक्ट गृहस्थ कैसे होते हैं जो अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करें, और पत्नी कैसी होनी चाहिए जो पति की सेवा करें पूर्ण रूप से। तो ये परफेक्ट फैमिली है, परफेक्ट पति पत्नी है और ये दोनों भगवत धाम जाएंगे मृत्यु के बाद। पत्नी पति की सेविका और प्रभुपाद कहते कि पति पूर्ण रूप से 100% कृष्ण का सेवक होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। तो सभी पुरुष को भगवान के शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए और स्त्री को अपने कृष्ण भक्त पति की पूर्ण रूप से सेवा करनी चाहिए तो दोनों को पूर्णता मिलेगी। और भगवान इतने दयालु है कि अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, माम ही पार्थ व्यपाश्रिता ये भी सुपाप योनयः स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र तेपी यान्ति पराम गति। तो जो स्त्री शूद्र और वैश्य यानी बिजनेस करते हैं, अभी गाय का कृषि गो रक्षा वाणिज्य, तो अभी ये सब की बुद्धि ज्यादा नहीं होती है। शूद्र की बुद्धि तो नहीं होती है, स्त्री की भी बुद्धि नहीं होती है ज्यादा, उनको मालूम नहीं होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, स्त्रियों को मालूम नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो भी पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या, मेरे शरण में जो आएंगे चाहे वो स्त्री क्यों ना हो, शूद्र क्यों ना हो, वैश्य क्यों, वो तो वो भगवान भागवतम के श्लोक में कहते हैं स्त्री वैश्य शूद्र से भी जो नीच, मतलब नीच योनि में है, जैसे यह लिखा है इनसे भी कम किरात ऊण आंध्र पुलिंद पुलकश अबीर कंक यवन खस यवन, जो शास्त्रों को वैदिक शास्त्रों को नहीं मानते हैं, मांस खाते हैं, ये सब भी भगवान के भक्त बन सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान का पूरा सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। ये जो प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य 60 साल पहले का, प्रभुपाद अमेरिका गए उससे पहले का है ये तात्पर्य, देखिए। और इसका प्रैक्टिकल प्रभुपाद ने प्रचार किया और हम देखते हैं ये सब किरात ऊण आंध्र पुलिन पुलकश आबिर कंक यवन खस
ये सब यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, चाइनीज कंट्री, हाँ ये सब वहाँ के ये सब लोग हैं, और इन सबको भगवत भक्त बना दिया प्रभुपाद ने। अभी ये देखिए, ये शास्त्र की बात है और प्रभुपाद ने इसको प्रूव कर दिया, सब भगवत भक्त बन गए। यदि ये सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाए तो उन सबका उद्धार हो सकता है। ये तो प्रभुपाद ने उद्धार करने से पहले बोल दिया, विश्वास, कृष्ण के शब्दों में, भागवतम के शब्दों में विश्वास। प्रभुपाद को पूरा विश्वास था। प्रभुपाद सोचते हैं कि मैं इस अमेरिका में आया हूं, यहां सब लोग मांस खाने वाले यवन, शास्त्रों को नहीं मानने वाले, और मैं तो बूढ़ा हूं, मेरे पास तो कुछ धन भी नहीं, खाने का भी मेरा इतना व्यवस्था नहीं है, लेकिन मुझे कृष्ण ने यहां लाए हैं, कुछ तो उनका प्लानिंग होगा, योजना होगा, और यहां मेरी इतनी व्यवस्था नहीं, प्रसाद खाने की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास थोड़े सारे बुक्स है, और ये बुक्स मैं इनको कैसे दे सकता हूं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगी। ऐसी विकट परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कृष्ण की ये सब योजना थी और कृष्ण ने मेरे से ये काम करवाया, और वो भी भगवत भक्ति का प्रचार करना, सोचिए कैसे पॉसिबल था। लेकिन ये हम देखते हैं यहां इस श्लोक में, और आगे भी श्लोक आया था कि नीच से नीच योनि में भी जन्म अगर किसी का मिला है तो वो भी भगवत भक्त बन सकते हैं। भगवत भक्ति इतनी सरल है, भगवान इतने दयालु है कि सबका उद्धार करते हैं। 5000 साल पहले भगवान ने कहा था, वो तो पहले की बात है, उससे भी पहले सूर्यदेव को भगवत गीता में कहा था ये श्लोक, स्त्री वैश्य तथा शूद्र ये सब भगवान के भक्त बन से, मेरे भक्त बन सकते भगवान कहते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा भी योग्यता हो सकता है, हम भी भगवत भक्त, शुद्ध भक्त बन सकते हैं, और हम भी भगवान के साथ दिव्य रस में जुड़ सकते हैं, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या कहते कि क्या करना पड़ेगा, किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाए तो उन सबका उद्धार हो सकता है। यानी हमें भगवत भक्ति में लगना है ठीक तरह से तो हमारा उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम सोचते हैं थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर ले फिर आराम से हम भक्ति करेंगे, या थोड़ा हमारा सेटलमेंट कर दे फिर भक्ति करेंगे, नहीं, उससे उद्धार नहीं होगा। भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्मा के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। यानी मुख्य क्या है, भगवत सेवा, भगवान की सेवा करना। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भक्ति में नहीं लगेंगे, तो हमारा शुद्धिकरण कोई हिसाब से नहीं होगा। योग, ज्ञान, तप इत्यादि भक्ति में, अगर हमें भक्ति करने में सहाय रूप है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ योग करने से, यानी अष्टांग योग पद्धति से, इंद्रियों का प्राणायाम ये सब करने से, इंद्रियों का कंट्रोल करने से, यदि हमें भक्ति नहीं होगी, शुद्ध भक्ति, भक्ति का अंश नहीं होगा, तो हम श्रम ही वही केवलम, हमारा पूरा श्रम रहेगा। और यहां क्या कहते हैं कि भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवत धाम एक हमारा जो घर है, पुनः हमें भगवत धाम जाना है, वहां से हम आए हैं, हम कितने पतित अवस्था में हैं। यह लिखा है कि ये सारी स्त्रियां जो कि भौमासुर की कैद में थे, व्यक्तित्व और शुद्धि के विहीन थे, उनका चारित्र या शुद्धि शुद्ध नहीं था, वो विहीन थे, लेकिन भगवान की भक्ति करने से वो भगवान के कितने नजदीक आ गए। तो हम लोगों भी यदि भगवान को गंभीरता से भगवान की भक्ति में लगेंगे, भगवान की गंभीरता से, उत्साह, निश्चय, धैर्य से भगवान की सेवा करेंगे, तो हमारे लिए भी ये असंभव नहीं है भगवान का संग प्राप्त करना। जिस प्रकार ये 16,100
रानियों ने प्राप्त किया था, राजकुमारियों ने प्राप्त किया था, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और भगवत धाम का वर्णन अगर हम सुनेंगे, जैसे मैंने आज सुबह बताया, भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ, उनको मालूम नहीं पड़ा क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं कहाँ से आया, अभी मुझे सर्जन करना है क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्हें तप किया और तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिया स्वयं का, और वैकुंठ का भी दर्शन दिखाया, वैकुंठ का भी दर्शन करवाया। और वो वैकुंठ का दर्शन ब्रह्मा जी करते हैं, नारद मुनि को सुनाते हैं इस प्रकार। तो ये भगवान का दर्शन करके और वैकुंठ का और गोलोक का दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता की रचना की। तो हम जो ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं ना, वो पूरा ब्रह्मांड और इनका दर्शन है, अरे पूरा भगवत धाम का दर्शन है उसमें, किस प्रकार से है ब्रह्मा जी ने ये किया। और फिर ब्रह्मा जी ने ये मैसेज नारद मुनि को दिया, तो और यही मैसेज हमारे तक आता है। तो ये जो ब्रह्म संहिता है, भगवान का दर्शन, ये भागवतम में भगवत धाम और भगवान दोनों का वर्णन है। तो हम इस दर्शन कर सकते हैं भागवतम को पढ़कर, अभिन्न है भागवतम, भगवान से अभिन्न है, भगवान भगवत धाम से अभिन्न है। यानी भागवतम में जो भी वर्णन है उसका अगर हम चर्चा करेंगे, उसका श्रवण कीर्तन करेंगे, तो ये वर्णन हमारा शुद्धिकरण होगा और हम तुरंत ही भगवान के संग में आ जाएंगे, हमें भगवान का संग मिलेगा। तो देखिए, ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं है, जो कि इस कलयुग में ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, उनको भगवान में श्रद्धा नहीं होती है, भगवान का खाते हैं, भगवान का पीते हैं, भगवान जो करवाते हैं वो करते हैं, माया के इनडायरेक्टली माया के इससे, फिर भी वो भगवान को मानते नहीं हैं। उनको खेती में देखे वो खाना रोटी खाता है तो भक्त तुरंत सोचता है मेरे भगवान ने भेजी है। जब भक्त भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, फल पुष्प कुछ भी, तो सोचते हैं कितना सुंदर है ये, भगवान आपके है और मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, ऐसी भक्त की भावना होती है, इसको भक्ति बोलते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति रूपरहतम अश्नामी प्रयतात्मनः। यहां भगवान कहते हैं कि पत्र पुष्प फल और दूध पानी मुझे जो भक्ति से अर्पण करते हैं और ऐसी भक्ति द्वारा अर्पण किया हुआ मैं ग्रहण करता हूं प्रेम से। तो भक्त को मालूम है कि ये मेरा कुछ नहीं, इसमें मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं और भगवान कृपालु है, मेरी भेंट स्वीकार करते हैं। तो ये है भक्ति। लेकिन नास्तिक लोग, जो दुर्भाग्य लोग, दुर्भाग्यशाली, जो सब कुछ भगवान का है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान की मालिकी का है, लेकिन वो समझते नहीं है और वो अपने लिए जो है वो छोड़ के, वो तो लेते ही है लेकिन दूसरे का भी भाग ले लेते हैं, और बहुत सारी वो प्रॉपर्टी बना देते हैं, बहुत सारी फैक्ट्री बना देते हैं, बहुत सारा बैंक बैलेंस बना देते हैं, बहुत सारे घर बना देते हैं, लेकिन वो चोर है, क्योंकि भगवान की चीज को अपनी सेवा में लगा रहा है, जैसे रावण है। तो हम लोगों को ये शिक्षा प्राप्त करनी है कि अगर हम अशुद्ध अवस्था में, हम जैसे भी हैं वैसे, हमें भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करने में हमें उत्साह से भाग लेना है, ऐसा नहीं आज करेंगे कल नहीं करेंगे या कल करेंगे परसों करेंगे अभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, उत्साह से। देखिए, रानी भगवान की पत्नियां कितनी भाग्यशाली है कि भगवान उनको बहुमूल्य भेंट भी देते तो कभी उनको अकेले नहीं छोड़ते थे। देखिए, और सब रानी को ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ है। आप सोचिए, हम जब भक्तों के संग में रहते हैं तो हमें कैसा अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है, चलो भक्त सब माला कर रहे, सेवा कर रहे, तो हमें उत्साह रहे, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा है। तो सोचिए, हम साक्षात भगवान के संग में रहे तो क्या बात है। भागवतम द्वितीय स्कंद में वर्णन है,
भगवत धाम का, कि वहां के सब निवासी इतने तेजस्वी होते हैं, उनका शरीर का रंग बताया है बादल, नीले बादल जैसा उनका शरीर का रंग है, और सुवर्ण आभूषण पहनते हैं, तिलक करते हैं, और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वहां की स्त्रियां भी बहुत सुंदर रहते हैं, हाँ ये सब वर्णन है। तो भगवान अपनी सब शक्तियों के साथ सभा में विराजमान है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, हाँ फिर पांच तत्व शब्द रूप रस गंध स्वाद, ये सब भगवान की शक्ति है। वो भगवान के अपने व्यक्ति मूर्तिमान रूप में है, भगवान के सामने बैठते हैं वो सभा में, बहुत सारी भगवान की शक्तियां हैं, वो सब भगवान के साथ बैठते हैं। भगवान का महल का वर्णन है, इतना सुंदर महल है भगवान का, वहां द्वारपाल का वर्णन है, ये सब द्वारपाल होते प्रभुपाद बताते हैं, इतना सुंदर ये वर्णन है कि हम कल्पना, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत है ना, और वहां इस भौतिक जगत की तुलना में सब सीधा है, वहां यहां सब उल्टा है, हम ये सब कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा वहां के लोग, जैसे हम कोई किसी के बारे में सोचे कि बहुत सुंदर है तो हम सोचते हुए ऐसा ऐसा है, इसको सुंदरता बोलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता दिव्य रूप में होता है, तो वो सुंदरता की कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जो माला पहनते हैं वैदुर्य रत्नों की, इसका पूरा वर्णन है, जो हम देख भी नहीं सकते हैं, यहां इस जगत का नहीं है कोई चीज, वहां दिव्य होता है, वहां कुछ भी चीज भौतिक नहीं है, काल का प्रभाव नहीं है, यहां तो प्रतिदिन हमारा रूप बदलता रहता है, काल का प्रभाव से हम क्षीण होते जाते रहे प्रतिदिन, वहां ऐसा नहीं है भगवत धाम में। तो इतना सुंदर है भगवत धाम, इसीलिए मैं बोलता हूं और बार बार श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब जो वर्णन है भगवत भक्तों से सुनना चाहिए। भागवतम का जो कथा है, ये भगवान जो सिद्धांत दिए इस भौतिक जगत कैसे उत्पत्ति होती है, वो इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए। ये लोग तो चंद्र तक पहुंचे नहीं है, और चंद्र पे जाकर कुछ बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया जैसा, बहुत धाड़ मार दी बड़ी, यहां तो भगवान चंद्र से ऊपर ब्रह्म लोक सर्वोच्च लोक इस उससे भी ऊपर के बारे में एक भक्त जानता है, चाहे वो भक्त पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो भगवत विज्ञान में निपुण है, भक्ति विज्ञान भगवत भक्ति के विज्ञान में वो निपुण है, उसको मालूम है ऐसी चीज है, और वो सिर्फ वर्णन देखकर भागवतम का वर्णन सुनकर वो संतुष्ट है, वो यस मेरे भगवान का ये सब सही है, हा? मैं भगवान की भक्ति करूंगा, ऐसे भगवान जिनका ऐसा ऐश्वर्य है, भगवान के सर्व ऐश्वर्य भी मूर्तिमान रूप में प्रकट हो रहते हैं उधर, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, वहां ऐसा टेबल नहीं है, वहां दिव्य टेबल होते हैं, वो भी वो जड़ नहीं होता है चेतन होता है, टेबल भी चलते हैं, सब वहां दिव्य होता है चेतनमय होता है, वहां कोई भौतिक चीज नहीं है, जड़ चीज नहीं है वहां, सब दिव्य, सोचिए कैसा होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते, ऐसा हमने देखा नहीं है ना, लेकिन हम इस पे विश्वास क्यों करते हैं, क्योंकि हमें परंपरा में विश्वास है, हमको मालूम है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान परंपरा से आता है, आरोह पंथ और अवरोह पंथ, आरोह पंथ यानी हम रिसर्च करते हैं कि भाई चंद्र पे क्या है, ब्रह्मलोक में क्या है, वैकुंठ में क्या है, रिसर्च करते हैं, इसको बोलते हैं आरोह पंथ, हमें अवरोह पंथ यानी ऊपर से जो आया उसको स्वीकारना है, वहां बोल दिया कि भाई भगवत धाम में ऐसा है, हमने स्वीकार लिया अधिकृत शास्त्र से और अधिकृत व्यक्ति से, यानी गुरु शिष्य परंपरा के गुरु से और शास्त्र से हम ये स्वीकार करते हैं। ये प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि हम भगवत धाम की कल्पना नहीं कर सकते हैं, भगवान के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ऊपर कुछ खट आवाज आया,
तो सब लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आवाज होगा, कुछ गिरा होगा, नहीं कुछ चूहा होगा या ये होगा वो होगा, हम ये सब बोलेंगे, लेकिन ऊपर से कोई आके बोल देगा भाई खट आवाज इसकी वजह से हो है। ओ अच्छा, आप समझ रहे हैं। तो ऊपर से व्यक्ति ने आके बोला भाई खट आवाज ऐसे है, इसी प्रकार जो व्यक्ति परंपरा से ज्ञान लेकर आता है, गुरु अधिकृत भक्त, वो सुनकर हमें विश्वास करना चाहिए कि यस ये सही है। तो हम जब भागवतम पढ़ते हैं तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास करके, भागवतम में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ऐसा नहीं ये भागवतम ये सही होगा ये वो गलत होगा, नहीं। भगवत गीता और भागवतम दोनों, इसमें एक एक शब्द को हमें सत्य स्वीकारना है तो हम भगवान को तुरंत प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए मैं सबको विनंती करता हूं कि प्रतिदिन भागवतम पढ़ो। ऐसा मत सोचो कि मेरे पास अभी समय नहीं, मैं कल से पढ़ूंगा, नहीं। खोल दो, बैठ जाओ भागवतम लेके, अच्छा लगे नहीं लगे भागवतम लेके बैठ जाओ, कम से कम एक श्लोक पढ़ो, धीरे 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 पढ़ो। एक बार भागवतम पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, हमारा आनंद इतना ही उत्साह भागवतम पढ़ने का और भक्ति करने का उत्साह बढ़ जाएगा। ये सब उत्साह की बात है। रानियां जो राजकुमारियां थी भौमासुर की कैद में, कितनी टेंशन में होगी सोचिए आप, कि भौमासुर हम क्या करेंगे, पूरी बंदी हुई थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण के शरण में आ गए मुक्त हो गए वो। हमारी हालत ऐसी, हम बंधन में, अभी हम डिप्रेस है, हम हमेशा चिंतातुर रहते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, चिंता से भरे हुए हैं। लेकिन जैसे हम भक्ति करके द्वारा भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करेंगे, इवन भक्ति की शुरुआत से हमारी चिंता दूर हो जाएगी। हमारी मेन चिंता क्यों होती है, चिंता क्यों होती है मालूम है, भय क्यों होता है हमको, हम कृष्ण को अलावा कुछ और में विश्वास रखते हैं, हम ये नहीं मानते कि कृष्ण ही परम पुरुष है। एक श्लोक है भागवतम में कि भय का कारण है कि कृष्ण को हम पूर्ण सर्वोच्च नहीं मानते हैं, कृष्ण के अलावा दूसरे सत्य को हम स्वीकारते हैं, इसीलिए भय है। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और वही हमारा पालन पोषण भी करते हैं और हमें उनके सेवा करनी चाहिए, बस। तो ये सब हमारा उत्साह रहेगा भगवान की सेवा करने का श्रीमद् भागवतम पढ़ने से। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, तो हम तो भक्ति करते हैं, लेकिन सोचिए ये हीरा किरात ऊर्ण यवन खस ये सब, इसका वर्णन भागवत में आ गया चुका, हमने उसका वर्णन किया था। तो ये सब का भी शुद्धिकरण होगा कि जब वो भक्ति और निष्ठा से भगवान की सेवा करेंगे, निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करेंगे तो छूट जाएंगे। जैसे यहां लिखे कि भौमासुर के चुंगल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गई। तो देखिए हमें अद्भुत भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए पूरा उत्साह, निश्चय महत्वपूर्ण है। हर रोज 4 बजे उठना, प्रभुपाद ने कल हमने प्रवचन सुना ना, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्रतिदिन 4 बजे उठना है, ऐसा नहीं आज उठे कल नहीं उठना है, प्रतिदिन मंगल आरती करनी है उत्साह से। तो ये हमें सीखना है। प्रभुपाद का प्रवचन बहुत सिंपल था, सरल था, लेकिन सर्वोच्च सिद्धांत प्रस्थापित करते हैं। ये सामान्य बात है, लोग बड़ी बड़ी कृष्ण की फिलोसॉफी, बड़ी बड़ी फिलोसॉफी के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन मंगल आरती के लिए नहीं उठते, सुबह 4 बजे नहीं उठते, उसका क्या फायदा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम सबको प्रयास करना है उत्साह निश्चय धैर्य से, और ये उत्साह निश्चय धैर्य कहां से, भक्तों के संग से और भागवतम पढ़ने से। हमारे सेवा का उत्साह और भक्ति करने का उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।